है वो ये नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है, भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना होगा। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी है। कांवड़ियों के मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए, यानी कि जो खाने की वैरायटी है वो आपको बताना होगा, ना कि नेम प्लेट अब लगाना होगा। हालांकि फिलहाल ये अंतरिम फैसला सुनाया गया है और इसके बाद आखिर फाइनल डिसीजन क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें परोसे जा रहे भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना होगा। देखिए पूरा मामला क्या आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक निर्देश जारी किए गए थे जिसमें ये साफ तौर पर कहा था कि जिस भी मार्ग से कांवड़िए कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे उस मार्ग पर मौजूद जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को एक नेम प्लेट लगाना होगा, एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे कि उन मार्गों पर मौजूद जो दुकानदार है वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने रेस्टोरेंट अपने होटल ढाबे का नाम रख लेते हैं और उसके बाद जब कांवड़िए कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं निकलते हैं उन्हें भूख लगती है या प्यास लगती है तो उस दुकान से सामान खरीद कर उसका सेवन करते हैं और बाद में उन्हें मालूम चलता है कि वहां पर मांसाहार भोजन भी तैयार किया जाता है, नॉनवेज आइटम भी वहां पर बिकता है जिस कारण उनकी शुद्धता भंग हो जाती है। ये आरोप लगाए गए थे और इन्हीं आरोपों को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब चाहे वो ठेले वाला ही क्यों ना हो सबको बोर्ड लगाना होगा, बताना होगा कि आखिर वो कहां से क्या बिलोंग करते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की, ऑनलाइन एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ये लोगों की आजादी के साथ खिलवाड़ है और दुकानदारों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। फिलहाल अंतरिम रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए। आनंद, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है? बिल्कुल, अगर पूजा बात किया जाए फैसले की तो बड़ा फैसला है और यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक के तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि इस फैसले में जो सरकार ने तमाम चीजें बताई थी उसमें आस्था की चिता समेत सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन रखा गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटते हुए सिर्फ खाने की पदार्थों को लेकर या खाने जो दे जा रहे हैं उसकी फोटो लगाने को लेकर बोला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको लेकर आपने देखा था देश भर में राजनीति हुई थी और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तमाम सदन शुरू होने से पहले इसमें कोशिश की गई थी कि इनको बताया जाए और उसके साथ चलिए एक बार फिर से हम आपको ये जानकारी दे देते हैं। आनंद से फिलहाल संपर्क टूट चुका है। जो जानकारी है वो ये है, अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी दुकानदारों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि दुकानदार को अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा, एक नेम प्लेट लगाना होगा जिस पर उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना जरूरी है ताकि कांवड़िए ये खुद तय कर पाए कि उन्हें किस दुकान से सामान खरीदना है, आखिर किस दुकान से उन्हें खाना खाना है, किस दुकान का पानी उन्हें पीना है और इसीलिए ये फैसला लिया गया था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का कोई नेम प्लेट नहीं लगेगा बल्कि दुकानदार को खाना प्रदर्शित करना होगा, जो भी खाना ऑर्डर किया जाता है उस खाने की डिटेल्स पूरी पूरी दी जानी चाहिए कांवड़ियों को और ना केवल डिटेल्स दी जानी चाहिए, अगर उनका सवाल यह है कि क्या स्वच्छ भोजन बना है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सवाल अगर ये होगा कि क्या जिस जगह पर वो खाना खा रहे हैं वहां नॉनवेज वैरायटी तैयार की जाती है तो इसका जवाब भी दुकानदार को देना होगा और दुकानदार जब जवाब देगा तो उसके बाद कांवड़ियों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो वहां से खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। लेकिन फिलहाल ये अंतरिम रोक है, इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है कि क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ऐसे राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसे में नेम प्लेट लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे।